अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते या सत श्री अकाल। मैं हूं रजाज ताहिर और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट टर्किश ई वीज़ा। इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसीजर समझाऊंगा फ्रॉम स्टार्टिंग फॉर्म फिल करने से लेके टिल एंड वीज़ा लगने तक। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपका वीज़ा 100% अप्रूव होगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नाज़रीन आपने जाना है evisa.gov.tr/en। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर नहीं जाना। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेगी, अप्लाई, मेक पेमेंट एंड डाउनलोड। डाउनलोड में जब आपका वीज़ा मिल जाता है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अप्लाई पे। जैसे ही आपने अप्लाई पे क्लिक किया तो आपको एक नया टैब खुल जाएगा। यहाँ पे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैं यहाँ पे अपना कंट्री पाकिस्तान लिखूंगा। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ETGHKG। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब वो आपसे इंटेंडेड डेट पूछेंगे। जो भी आप इंटेंडेड डेट लिखेंगे उससे लेके अगले 6 महीने तक का आपका वीज़ा वैलिड होगा, मगर आप स्टे सिर्फ और सिर्फ 30 डेज कर सकते हैं। फ्रॉम पाकिस्तान इसकी वीज़ा फ़ी $60 है और ये सिंगल एंट्री वीज़ा है, ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं है। तो ये सारी डिटेल इस टैब में लिखी हुई है। लेट्स सपोज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 31st मार्च, कि मैंने 31st मार्च को जाना है, तो वो तकरीबन 26 सितंबर तक मेरा वीज़ा वैलिड होगा और मैं उनके उन 180 डेज़ के अंदर मैं कोई भी 30 डेज़ तुर्की में स्टे कर सकता हूँ ऑन दिस ई वीज़ा। ये करने के बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। आप वो मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ई वीज़ा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास वैलिड USA, UK या शेंजन कंट्री में से कोई भी कंट्री, 26 मुल्कों में से किसी भी एक मुल्क का अगर आपके पास वीज़ा है तो आप पाकिस्तानी और इंडियन पासपोर्ट पर ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको नॉर्मल प्रोसीजर करना पड़ेगा जो स्ट्रीकर वीज़ा के थ्रू होता है। तो अब मैं सबसे पहले इसको चेक कर देता हूँ। आई एम ट्रैवलिंग फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म एज बिजनेस। ये किसी और के लिए नहीं यूज़ हो सकता। अगर आप किसी और पर्पज़ के लिए आना चाह रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाह रहे हैं या आप किसी और काम के लिए आना चाह रहे हैं, ये ई वीज़ा उसके लिए नहीं होगा। आपको टूरिज्म या बिजनेस के लिए आना होगा इसके लिए। तो सेकंड पे मैं जो होगा कि आई कैन प्रूव दैट आई होल्ड द रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन एंड एटलीस्ट $50 पर ईच डे ऑफ माय स्टे। जी मैं आपको बताता चलूँ कि आपने ये कहीं भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना। ये कस्टम के दौरान जब आप टर्की लैंड कर जाएंगे वहाँ से आपसे पूछा जा भी सकता है, लाजमी नहीं है कि आपसे पूछें, कभी कभी पूछ भी सकते हैं। मगर जैसे कि नॉर्मल प्रोसीजर के अंदर होता है ये चीज़ें आपने अटैच करनी होती हैं, तो अभी आपको अटैच नहीं करनी होगी। तो आपको रिटर्न फ्लाइट आपके पास चाहिए, ये इस अगर आपके पास अभी नहीं है और आप अप्लाई करें तो कोई मसला नहीं है। होटल रिजर्वेशन चाहिए, इसके लिए अगर आपने फ्री होटल रिजर्वेशन या फ्री जो रिटर्न टिकट है अगर आपने वो अप्लाई करनी है, इसके लिए हमारी अलग से वीडियो बनी है जो आपको अभी हमारे स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। आप उस पर भी जा सकते हैं ताकि आप देख सकें वीज़ा के लिए आप फ्री होटल रिजर्वेशन फ्लाइट की बुक करवा सकते हैं। और ये जो कहने के एटलीस्ट $50 पर डे ऑफ द स्टे अगर आपके पास होने चाहिए, ये भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे आपसे, आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगेंगे, बट आपके पास ये होना चाहिए। वहाँ पे कस्टम के टाइम आपसे क्रेडिट कार्ड पूछ सकते हैं या आपसे पूछ सकते हैं आपके पास कैश है तो वो आप दिखा दें। अब अगला चीज़, थर्ड चीज़ हमने चेक करनी है वो है अबाउट वैलिड डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, आपके पास शेंजन कंट्रीज या UK, US कोई भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, लाजमी नहीं है कि ये उनका टूरिज्म वीज़ा, कोई भी आपके पास वीज़ा है तो आप इसको चेक कर दें तो आपका ये ई वीज़ा लग जाएगा। नंबर 4 पे आ जाता है, माय पासपोर्ट कवर द पीरियड दैट आई विल बी स्टेइंग इन टर्की। याद रखिएगा कि आपका पासपोर्ट 6 महीने से कम वैलिड नहीं होना चाहिए। अगर वैलिड 6 महीने से कम वैलिडिटी रह गई तो आप इसको रीन्यू करवा लें, वरना आपको प्रॉब्लम होगी, बाद में फेस करनी पड़ेगी। लास्ट आपने चेक करना है कि आई कन्फर्म दैट आई मीट ईच एंड एवरी वन ऑफ द कंडीशन लिस्टेड अबव, के आपने सारी कंडीशन मीट करते हैं। ये चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फिर आपकी कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेंगे। अभी मैं बहुत ही रैंडम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखने लगा हूँ। मैं डेट ऑफ बर्थ रैंडम लिखती, प्लेस ऑफ बर्थ। फिर यहाँ पे नीचे आप देखेंगे इस जगह पे आपको पूछेंगे कि आपके पास रेजिडेंट परमिट है या वीज़ा है। वीज़ा है अगर आपके पास किस कंट्री का, आयरलैंड का, शेंजन है, USA है या UK है।
मैं शेंजन कर देता हूँ, वहाँ पे शेंजन वीज़ा के ऊपर जो आपका नंबर लिखा होगा वो आपने यहाँ पे नंबर मेंशन कर देना, मैं अभी रफली नंबर मेंशन कर देता हूँ, और वो उसकी एक्सपायरी डेट पूछेंगे कि एक्सपायर कब हो रहा है। अब याद रखेंगे काफ़ी लोगों के लिए ये क्वेश्चन होगा कि अब जब हम लैंड कर रहे हैं उसके बाद से थ्रू आउट पीरियड के लिए जो मेरा शेंजन वीज़ा है वो वैलिड होना चाहिए या नहीं। पहली चीज़ तो यह है कि आपका जब आप उधर लैंड करें कि आपका शेंजन या कोई भी आप इन कंट्री में से वीज़ा वो उस टाइम के लिए वैलिड लाजमी होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे ट्रैवल करके आ चुके हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उस दिन के लिए वैलिड होना चाहिए आप लैंड कर रहे हैं, उसके बाद अगर एक्सपायर हो रहा है कोई मैटर नहीं करता, मगर जब आप वहाँ पे टर्की में लैंड कर रहे हैं तब वो आपका वैलिड उस टाइम के लिए वैलिड होना चाहिए। ये सब करने के बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो नेक्स्ट मेरा आ जाएगा, एक टैब खुल जाएगा कि ईमेल कंफर्मेशन मुझे सेंड कर दी गई है, इस तरह का मुझे एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब मुझे एक ईमेल मिलेगी जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ईमेल के ऊपर जैसे ही मैं अप्रूव पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास पेमेंट का टैब खुल जाएगा। यहाँ पे अभी फॉर द टाइम पाकिस्तान के लिए 61.5 US डॉलर्स आ रही है इसकी फ़ीस, जो कि पाकिस्तानी अराउंड 9,700 रुपीज़ बनते हैं और इंडियन कुछ कम ही बनते होंगे। तो ये जैसे ही मैं करने के बाद मेक एंड पेमेंट पे क्लिक करूँगा तो विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन लाइक 10 मिनट्स 15 मिनट्स मैक्सिमम आपको डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी कि आप वीज़ा अपना डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह का आपको एक वीज़ा ई वीज़ा मिल जाएगा। जब आपने लैंड करना है टर्की में आपके पास इसकी फ़ोटो कॉपीज़ लाजमी होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी रिटर्न टिकट, आपका होटल बुकिंग से रिलेटेड कुछ भी आपसे डॉक्यूमेंट कस्टम के दौरान मांगेंगे, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके साथ हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन है या आप इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही नाजरीन, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड नमस्ते।